नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों से जुड़े दस्तावेज जारी। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने फ्रांस की कंपनी डीसीएनएस द्वारा भारत में बनाए जा रहे 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की जल के भीतर की युद्ध प्रणाली के संचालन निर्देशों से जुड़ी सूचना के लीक दस्तावेजों का नया सेट जारी कर दिया। दस्तावेजों के नए सेट में पनडुब्बियों की सोनार प्रणाली के ब्यौरे दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल पानी के भीतर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। दस्तावेजों पर भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह अंकित है और साथ ही निषिद्ध स्कॉर्पियन भारत लिखा है। इसमें सोनार तकनीक विशिष्टताओं और वह किस डिग्री की तथा फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा इसकी विस्तार से जानकारी है। दस्तावेज में संचालन निर्देशन नियमावली है जो हथियार दागने के लिए निशाने का चयन करने के तरीके, हथियार की बनावट, चयन के बारे में बताता है। रियो ओलंपिक से लौटी ओपी जैसा को स्वाइन फ्लू। पिछले हफ्ते बुखार और शरीर में दर्द के साथ देश लौटी ओलंपिक खिलाड़ी ओपी जैसा के खून में H1N1 विषाणु पाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 दिन पहले एक और एथलीट सुधा सिंह में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए थे। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक श्याम सुंदर ने कहा कि मुझे अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बुखार और शरीर में दर्द के साथ बेंगलुरु लौटी जैसा को बनरघट्टा स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसा ने रियो ओलंपिक में महिलाओं के मैराथन में हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जैसा के खून के नमूने की जांच की गई। जांच की रिपोर्ट गुरुवार को सौंपी गई, जिसमें उन्हें H1N1 से पीड़ित होने का पता चला। शंकराचार्य बोले, गंगा पर बांधों का निर्माण रोके मोदी। द्वारका शारदा पीठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी के प्रवाह को निर्बाध करने के लिए उस पर प्रस्तावित बांधों या निर्माणाधीन बांधों का निर्माण काम रुकवाते नहीं है, तब तक नमामि गंगे मिशन सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए उसके प्रवाह को निर्बाध बनाना होगा। महान नदी को केवल मशीनों के सहारे स्वच्छ नहीं किया जा सकता। स्वरूपानंद ने कहा कि नमामि गंगे मिशन तभी सफल होगा जब प्रधानमंत्री इस नदी पर प्रस्तावित या बन रहे बांधों का निर्माण कार्य रुकवाएंगे। उन्होंने कहा कि गंगा सभी तीर्थ स्थलों पर अपवित्र हो गई है, चाहे वह काशी हो या प्रयाग या हरिद्वार।